बेसिकली जो आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो 13 पॉइंट रोस्टर बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये विभागवार जिस तरह से बांट के जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था को इनडायरेक्टली खत्म करने की कोशिश है, और इसी के लिए ये सरकार जो है आरक्षण लाई है। एक तरफ से आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जा रहा है उस तबके को जो पहले से ही व्यवस्था में हर जगह कूद कूद के भरा हुआ है, उसको जो है आरक्षण जो है 10% दिया जा रहा है, वो भी गरीबी के आधार पे, और उसका जो दायरा है वो ऐसा है कि उसमें जो है लगभग अंबानी अडानी को छोड़ के सारी आबादी आ जाएगी। उसके बाद ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है इसको जिस तरह से यूनिवर्सिटी में अभी अभी जो पहली पीढ़ी के लोग अभी आए हैं और उनको रोकने की कोशिश चल रही है कि ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण खत्म करने की जो कोशिश चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें यह आरक्षण मिला है और यह हमारा हक है, और हक जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, हक छीनना पड़ता है, और हमें जिस तरह से सरकार यह आरक्षण विरोधी सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार जिस तरह से संविधान से अलग जाके आरक्षण की व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करना चाहती है, हम इसके खिलाफ यहाँ इकट्ठा है और पूरे देश में इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और जिस तरह आरक्षण को खत्म करने के लिए बैकडोर से तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं और उनको खत्म करने के लिए हमारे बीच नई नई चीजें नए नए रूप में उसको डाला जा रहा है ताकि हम उसको समझ ना पाए। जिस तरह ये 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया है विश्वविद्यालयों में, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है और उस आक्रोश को हमको जितना हो सके सड़कों पर लाना है। और बस और कुछ नहीं कहूंगा साथियों, नमस्कार।